हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर, और मैं लेकर आई हूं वृषभ राशि पर सितंबर मंथ के लिए। वृषभ राशि के लिए ये महीना उनकी लव लाइफ में और करियर में क्या चेंजेस लेकर आना है आने वाला है और क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, ये हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं टॉरस वृषभ राशि पर सितंबर मंथ के लिए। लव लाइफ फॉर सितंबर मंथ, लव लाइफ फॉर सितंबर मंथ, ओके। ओके गाइस, लव लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं जो भी आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या आपको ऐसा फील हो रहा था कि बर्डन जैसा फील हो रहा था आपको आपके इस रिश्ते में, या फिर जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे वो मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर मंथ में। आप जो कहना चाह रहे थे एक्चुअल में, जिसके लिए आप में हिम्मत नहीं आ पा रही थी, जो स्ट्रेंथ आप नहीं ला पा रहे थे इस रिश्ते को डिसाइड करने के लिए, वो डेफिनेटली सितंबर मंथ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इजीली समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपका जो मन बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ दिख रहा था सितंबर से पहले, जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे वो सितंबर में ठीक होने वाला है। आप में एक अलग ही एनर्जी आप फील करेंगे सितंबर मंथ में। आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकता हूँ, और आप एक अपना ईगो, एक ईगो आप में आएगा कि यस, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ। तो ये सारी जब आप सोचेंगे तो शायद जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आप जिस भी बर्डन में हैं, जो भी एक बात आपको खाए जा रही है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे और एक नई शुरुआत के साथ आप रेडी होंगे। एक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि सितंबर मंथ में मुझे एक रिश्ता ओवरऑल कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं क्या रहने वाला है सितंबर मंथ। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि लव लाइफ हीलिंग, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड के नीचे ही ना वॉइस कार्ड आया है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखा रहा है गाइस कि अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखें, जो भी आपके मन में है वो आप कह दें, बहुत स्ट्रांग बने, और जो भी हो आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते को कंटिन्यू करना तो ही आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आप उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों में से एक की एनर्जी ऐसी लग रही है फन करने वाला, मस्ती करने वाला, एंजॉय करने वाला जिंदगी को, और एक दूसरे की एनर्जी जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वैल्यूज करने वाला, अपनी लाइफ में सोशल लाइफ को जीने वाला, और अपने पैसे को इम्पोर्टेंस देने वाला, फाइनेंशियल ग्रो करने वाला, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा से संभालने वाला, ये सब पर्सन दोनों में ही बहुत ही मिक्स एनर्जी है, सॉरी अलग अलग एनर्जी है। तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस कारण आपको एक बर्डन सा फील हो रहा है। आप चाहते हैं उस रिश्ते को लेकिन कहीं ना कहीं एक बर्डन फील करते हैं आपको, थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो सितंबर मंथ में अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट रखें और कोशिश करें कि आप सही डिसीजन ले सके। अपने बैक बोन का ध्यान रखें और अपने हेड को भी, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें और बहुत ही सही समय पर डिसीजन लेने की कोशिश करें। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यू आर अ गुड फ्रेंड।
आप उनके अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है इस रिश्ते को खत्म करने के लिए आपको ऐसा कहना हो कि, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपसे कहें कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये रिलेशन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, इसके वजह से आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बर्डन दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या ले लिया मैंने, क्यों मैं इस रिश्ते में हूँ जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ नजर आ रही है, तो जो भी डिसीजन आप लेना चाहें वो आप सितंबर मंथ में ले सकते हैं, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपको हील करेगा, आपको इनर हीलिंग की जरूरत है, आपको इनर पीस की जरूरत है। तो आप अगर इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो एक पीस जैसा, सुकून जैसा आपको फील होगा, और आप फिर से एक नए प्यार के लिए रेडी होंगे। वृषभ राशि, जो भी हो आप अपने मन की सुने और अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करें। देखते हैं करियर वाइज आपकी रीडिंग क्या कहती है, कैसा रहने वाला है वृषभ राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक्शन आप लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वजह से आपको धोखा भी मिल रहा है काम में, और हो सकता है कि इस वजह से आपको नुकसान भी हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और जो भी आपका बेनिफिट है वो कोई तीसरा लेकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, सेप्टेम्बर मंथ में बिना सोचे समझे काम ना करें, थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले किसी से राय ले ले और सोच समझ कर काम करेंगे तो शायद आपका प्रॉफिट आपके पास रहे, कोई तीसरा उसको ना ले जा सके। वृषभ राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि, ओके। स्ट्रगल है गाइस, थोड़ा सा 88 नंबर यहाँ पर आए हैं, हो सकता है कि 88 नंबर आपको नजर आए जब भी आप ये रीडिंग देखें, एंजल नंबर है तो एंजल का सपोर्ट है। तो जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, जो भी परेशानियां आपको उठानी पड़ रही है किसी भी रीजन से आपके काम में, तो प्लीज उसको लेट गो करें, उसकी वजह से आप गिव अप ना करें और अपनी कोशिश को जारी रखें, मेहनत करते रहें, एक दिन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, कोई नई न्यूज आपको मिलेगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड ऑफ द सितंबर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ नया आप करेंगे, कुछ ना कुछ एक उम्मीद आपको नजर आएगी, आपको लगेगा कि यस ये काम करने से मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, या फिर ये ही काम में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि सितंबर मंथ में चाहे कितना भी आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गिव अप ना करें, थोड़ा सा स्ट्रगल करके डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, और चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ें। एंड ऑफ द सेप्टेम्बर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नया काम आप कर सकते हैं, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। देखते हैं आपको सेप्टेम्बर मंथ में क्या परमिशन देनी चाहिए, सेप्टेम्बर मंथ परमिशन फॉर टोरस वृषभ राशि। ओके, प्लेफुलनेस के साथ ही आपके लिए अफर्मेशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बहुत ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टेंशन में आप हैं, और ऐसा होप मतलब आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आपके लिए अफर्मेशन है, आई एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ये आपको 21 डेज तक डेली मॉर्निंग में या नाइट में सोने से पहले या सुबह उठकर आपको 21 टाइम्स देनी है, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी रहे या फिर ऑरा आपका पॉजिटिव रहे उसके लिए आप ये अफर्मेशन दें। तो जो भी अगर कोई भी स्ट्रगल भी आएगा, कोई भी प्रॉब्लम भी आएगी, तो वो रिलीज हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से इस टाइम पीरियड से भी निकल पाएंगे। थैंक यू वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग, और नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, जैमिनी मिथुन राशि। थैंक यू।